नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बीते महीनों में तेजस्वी यादव ने बिहार के कई बड़े अस्पतालों का अचानक आधे रात को औचक निरीक्षण किया है, छापेमारी की है, जिसमें पटना स्थित पीएमसीएच अस्पताल भी मौजूद रहा। तेजस्वी यादव लगातार मिशन 60 पर भी काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं, चाहे वो मिशन 60 के तहत अस्पतालों को दुरुस्त करना हो और उसकी रिपोर्ट लेनी हो या फिर डॉक्टरों पर सख्त एक्शन लेना हो। और इसी कड़ी में बीती रात तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर के बड़े अस्पताल एसकेएमसीएच पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर आधी रात को छापेमारी की। इसी कड़ी में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये प्लान उनका अचानक से बना, जहां वो सीतामढ़ी से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एसकेएमसीएच पास में ही पड़ता है, तो सोचा कि चलकर देख लेते हैं कि वहां की स्थिति क्या है। और तेजस्वी यादव ने बताया कि यहाँ की स्थिति देखकर वो बेहद भौचक्के रह गए, जब उन्होंने देखा कि ना तो कर्मचारी उपलब्ध है ना डॉक्टरों की उपलब्धता है। अस्पताल की बदहाली देखकर उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बताया कि किस तरीके से अस्पताल में लापरवाही की जा रही है, काफी कमियां हैं जिन पर अब काम किया जाएगा। डॉक्टरों को सख्त आदेश दिया जा चुका है और डॉक्टरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भी निर्देश जारी हो चुका है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव जब वो एसकेएमसीएच पहुंचे, आखिरकार उनका ये प्लान किस तरह बना और वहां पहुंचकर उन्होंने क्या कुछ किया, आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। सीतामढ़ी गए हुए थे, आप लौटते हुए बगल में पड़ता है तो सोचा के देखिए कि क्या कमी है। बहुत कमियाँ नजर आई और जो भी कमी नज़र आई है उस पर कार्रवाई की जाएगी, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और हम लोग तो चाहते हैं डॉक्टर को जो उपलब्धता हो, कई जगह डॉक्टर नज़ारत में नहीं, लेकिन दवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए, मशीन काम करना चाहिए, मशीन चलाने वाला आदमी होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, दवा लोगों को मिलना चाहिए। उत्तर बिहार का तो ये सारा काम हम लोग जो है कर, अब आप जान रहे हैं मुजफ्फरपुर में तो मेडिकल कॉलेज भी बन गया, तो उस सारी चीज़ों को इसलिए भाई यहाँ आकर के औचक निरीक्षण किया गया ताकि पता चले। हम तो कब से घूम रहे हैं, सुप्रिंटेंडेंट साहब तो अभी आए और इनका तो फिलहाल में ही अभी ट्रांसफर हुआ है, तो इनको हम बता दिए हैं हर एक चीज़ जो कमी पाई गई। एक हफ्ते का हम टारगेट इनको देते हैं, काम कर रहे हैं, जो चीज़ है सुधारे, नहीं तो फिर हम लोग जो है सुनवाई या कार्रवाई वाली सरकार है, गरीब के हित में हम लोग काम करें। बीजेपी वाले तो कहते सोई हुई सरकार किया है, क्या कुछ देखे, देखे निरीक्षण किए हैं, साथ साथ आप सब लोग भी देखे ही होंगे, जहाँ कमी है उस पर हम लोगों की नज़र गई है। और ये एकदम बर्दाश्त के बाहर कि हम लोग जो निर्णय ले रहे हैं या बिहार सरकार जो पैसा देती है गरीबों के लिए, जिस काम के लिए, अगर वो काम नहीं होगा तो कार्रवाई तो होगी। और हमने पहले भी कहा था हम लोगों की सरकार सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हुई। जो मिशन 60 डेज में कुछ काम हुए, कुछ काम नहीं हुए, फिर कुछ काम जो है लटक गया, तो सही से व्यवस्था, क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी है प्रॉपर, और अभी हाल फिलहाल में नए सुपरिटेंडेंट आए, तो हमने तो सारा देखा है क्या कमी है, इनको भी गिनवाया है, जो मैंडेटरी है कि आपको किसी भी हाल में होना चाहिए, लोगों को दवा मिलना चाहिए, लोगों को बेड मिलना चाहिए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, मशीन काम करना चाहिए, डॉक्टर उपलब्ध होने चाहिए। बड़ी निराशा के साथ ये कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर जो है कई जगह गायब पाए, तो इस पर तो हम लोग देख रहे हैं हर एक चीज़ है ना, जो उचित होगा जनता के हित में होगा वो हम लोग काम करते हैं।